छिंज मेले वास्ते अज ही पढ़ के अनाउंस कर दिंदे आ। दादे दी बड़ी अपार कृपा कि अगले साल के जिथे वड्डे पटके दिते जा रहे हैं उत्थे दादे दी बड़ी अपार कृपा कि इस साल 2013 का जो पटका दिता जाना 61,000 रुपए का सुरगवासी धनपाल सिंह सुरगवासी दौलत सिंह जी समरा उन्होंने परिवार वालों 61,000 का अज का सुखजिंदर सिंह जी चीमा सोनू चीमा यूएसए जिन्हों वालों ये तीसरा पटका सुरगवासी जसवंत सिंह जी चीमा अपने समय के कबड्डी खिलाड़ी उन्होंने नाम के इस परिवार वालों 31,000 का दिता जा रहा है। सो लग रहा है चलती कला रखे मेहर भरिया हाथ रखे इन परिवार से जिन्हों वालों इस साल के बड़े माण झंडी से दिए जाएंगे अगले साल के भी पटके जोड़े है उन्हें अनाउंस कर दिए गए धनबाद करते हैं। सुरगवासी सरदार पाल सिंह जी समरा के सरूप परिवार का जिन्हों वालों अगले साल के बड़े पटकों के बड़ा माण इन परिवारों वालों दिता जाएगा। सुरगवासी सरदार प्रीतम सिंह जी समरा उन्होंने परिवार वालों बड़ा माण अगले साल पटका दिता जाएगा। तीसरा पटका कहने के सुरगवासी सरदार नाजर सिंह जी दूतरे कलदीप सिंह निर्मल सिंह तरसेम सिंह जी उन्होंने परिवार वालों तीसरा पटका जोड़ा है वो 31,000 का अगले साल इन परिवार वालों दिता जाएगा। लख लख करती कर के सारी सिंह कमेटी वालों इन्होंने परिवारों को लख लख बधाई कि जिन्होंने सहयोग के पंजाब का नंबर वन सीट मिला मैनपुर के लिए कराया जा रहा है उत्तरों को मामले में बेनती देनी ना करोगी ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਨ ਆਏ ਹੈ ਉਹ
फटाफट अपने जोर साड़ी कमेटी को बेनती है कि जिन्हें डूबी लाई गई है भलवाना का नाम लिखना नारे उन्होंने ड्रैस पूरा लिख के पर्ची साढ़े को आ जानी है असि ना बोल देना पहलवान खाए जा रहा है रमन सिद्धवा मेरे भी ना थोड़ा जा साफ करके लिखना पर्ची दे बिल्कुल साफ ना लिखना है। सो असी धन्यवाद करते हैं कि जिथे वड्डे मान अज सिंह मेले वास्ते आ रहे हैं उत्थे तीन नंबर की अच्छे झंडी की कुश्ती जी होनी है सुरगवासी सरदार जसवंत सिंह जी चीमा अपने समय के कबड्डी के सुपर स्टार जाफी जिन्हों का फड़िया होया गुट कहिंदे कि रेडर नूं छडाउणा बड़ा मुश्किल सी। सो अज उन्हां दे परिवार वालों सतजिंदर चीमा सोनू चीमा यूएसए जिन्हां वालों अज दी इह तीन नंबर की वड्डी कुश्ती कराई जानी है। सो असी सिंध कमेटी वालों इस परिवार का भी धन्यवाद करते हैं साडे वास्ते भी वड्डा मान करके गए हैं सुरगवासी जसवंत सिंह जी चीमा जिस परिवार वालों अज तीन नंबर की वड्डी झंडी से मान सम्मान दिता जाना है। आओ जी पहली कुश्ती के पहलवान जिटू शाहगुड ते रमन सिद्धवा ये परिवारों को बेनती है कि जल्दी खाली के मेरे वीर लंगोटे ला के आ जाओ जी ता जो कुश्ती जी है इन्हों की जल्दी शुरू कराई जा सके। नाल ही मैं रमन पहलवान समानी रंग का लंगोटा फिका जहाँ मूंगिया रंग का लंगोटा पहलवान खाने के पहुंच चुके हैं। सो मेरे वीर रैफरी साहब पर्ची लगनी है कुश्ती तो बाद इन्होंने मतलब सो दोनों पहलवानों को बेनती थोड़े जहाँ लागे लिया मैं बेनती करा चेयरमैन साहब जी प्रधान जी को कि आप पहली कुश्ती जी है दोनों पहलवानों आशीर्वाद दे के फोटो करा के लखा दादे तो हुक्म लैके कुश्ती जल्दी शुरू करा दी जी। सो शुरू करवा जा रहे हैं सारिया का धन्यवाद जिन्हों परिवार ने फटके दिया कुश्तियां वास्ते माया भेजी सहयोग दिता कमेटी को कमेटी वालों सारे का धन्यवाद और जिते भी जिन्हें भी दर्शक भीर समूह साहब साहब इतने पहुंची है पहली कुश्ती जी है जल्दी शुरू कर दी बाकी फिर पर्चियां आई जाएंगे सिर्फ नालों नाल दो दो तीन तीन कुश्तियां जीडिया कराई जाएगियां। सो पहली कुश्ती के दोनों पहलवान बिल्कुल तैयार ब तैयार आओ जी सारे कमेटी मैंबर नाल होके ये कुश्ती शुरू कराइए लख दाता चढ़ती कला रखे गुरु पीर फकीर के ओट आसरे के नाल अज इस स्टेडियम का कराया जा रहा है उत्थे दाता चढ़ती कला रखे पहली कुश्ती अज उन्हां गुरु पीर फकीर तो आगे लैके हुक्म लैके खाड़े दे विच शुरू हो जा रही है जोर से जवानी के मुकाबले होणगे हल्का हल्का ढोल ते डगा भी बजेगा। सो बड़े वड्डे मान सम्मान जिथे पहलवानों नूं साडी सिंध कमेटी वालों दिते जाणगे कुश्ती करन तो बाद पहलवान पर्ची लैके स्टेज के खब्बे पासे साडी सिंध कमेटी बैठी है उत्थे मेरे वीर अपनी पर्चियां देणगे ते अपना मान सम्मान जिहड़ा प्राप्त करनगे तो इस साडी बेनती नूं प्रवान करो। सो असीं धन्नवाद करते हैं प्रधान सरदार दरार सिंह जी समरा साहब जी का जिन्होंने इस कुश्ती शुरू करने की नाल कमेटी मैंबर ने आज्ञा दी है। सो पहली कुश्ती इस समय खाड़े दे विच शुरू होने जा रही है हल्का हल्का ढोल ते वजदा होया डगा कि सिंध की तैयारी कहिंदे ढोल वजदे ला के लंगोटे आउण शेर गजदे लिसकदे ने पिंडे गुन्ने होए तेल दे खा के खड़ाका सोहणे डंड पेल दे मत्था टेक खाड़े च पहलवान आ गया मारदा दमामे जट मेले आ गया। सो अज मैनपुर की धरती से लगा होया ये सिंध मेला पंजाब का दुआबे का नंबर वन सिंध मेला है कि जिते बड़ा वधिया डिसिपलिन बनाया जाता है वधिया ढंग के नाल दर्शक वीर की बैठन का प्रबंध किया जाता है उत्थे पहलवान भी पूरे पंजाब हिमाचल हरियाणा दिल्ली के इस सिंध मेले च आके अपने कुश्ती के जोर दिखाते हैं। सो अगली कुश्ती के पहलवान वो भी तैयार होकर मेरे वीर खाड़े के बच्चे आ जाओ जी अगली कुश्ती रवि शाहगुड पर्ची साढ़े को आ गई है मेरे वीर 302 नंबर की पर्ची वाले पहलवान फटाफट मेरे वीर लंगोटा जल्दी लाना है
दो दो कुश्तियां सी लाजमी खाड़े दे विच करवानी है। सो लंगूटा लाउन लगे कपड़े लाउन लगे सुस्ती नहीं पानी, जिन्नी चुस्ती ना कपड़े लाओगे उन्नी फुर्ती ना कुश्ती होगी। सो बहुत ही वधिया देखोगे इस समय बहुत ही वधिया कुश्ती खाड़े दे विच चल रही है। मल्ला नू सेंटर दे विच मेरे वीर लैके जाना रेफरी साहब, बाहर कोई कुश्ती नहीं जड़ी है, होएगी दोनों पहलवानों नू। जिन्हां जिन्हां पहलवानों नू पर्ची मिल चुकी है वो जल्दी तो जल्दी अखाड़े में जाओ और तीन तीन चार चार कोटियां करवाई जाएंगी। और रेफरी साहबान नू बेनती है कि कोटी अखाड़े के विचार शुरू करवाया करो और जजमेंट बहुत ही ख्याल के नाल, क्योंकि सारे इनामी पहलवान अखाड़िया के पहलवान हैं और बहुत ही ख्याल के नाल जजमेंट तुसीं दिओ। दर्शक पीरां दा कद जोड़दा जा रहा है और सारे का द्वारा फिर धन्यवाद सारे किया है। लो जी अगली कुश्ती होने लगी है, कंधा टारी हाथ खड़ा करो जी, लाल अगदल गुट्टा ते रवि शाकुर सेंटर ते लाके चलो जी, थोड़े जे पिछे लाके चलो जी। तो ये मल्ला नु थोड़े जे पिछे लाके चलो, बिल्कुल सेंटर ते कुश्ती करवानी है दोनों पहलवानों च, कंधा टारी ते रवि शाकुर सेंटर ते लाके चलो जी। कुश्ती दी बाद च हार जित लिख देनी है पर्ची ते, पर्ची तुहाडे कोल रेफरी साहब आएगी, उस पर्ची ते तुसीं हार जित लिख के ना मल्ला नु पर्ची देनी है ते फिर मल्ल साडी सिंधिक पिट को अपना मान सम्मान जिहड़ा उह प्राप्त करनगे। सो दो कुश्तियां इस समय खाड़े दे विच चल रही हैं कि जोर ते जवानी कहिंदे उमरां दी खेड, इहदे विच हुंदा कहिंदे सन्ना वाला पेड़। अज ऐन बब्बर शेरां दे मुकाबले जिहड़े टक्कण वाले होणे आ, सो बहुत ही वधिया ढंग दे नाल साडे ढोली वीर वी बड़े सरताज दे नाल ढोल दे डगे ते इस खाड़े नू जिथे गर्म कर रहे आ, उत्थे पहलवानां नू वी बेनती कि मिंटां सकिंटां दे विच डाबित मार के कुश्ती दे फैसले करने हैं, नाम लिख के पर्ची साडे कोल भेज देनी है, असीं दोनों पहलवानां दे नाम बोलांगे, दोनों पहलवान फिर खाड़े दे विच जाणगे। किसे पहलवान नू पर्ची नहीं देनी, फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जानी है क्योंकि फिर मल लेट हो। कुश्ती उहो ही जित्तणगे जिन्हां दे डौड़िया पट्टा दे विच जाणा, अज डौड़िया पट्टा दी ताकत दे नाल देखदे हां कि किहड़े मल इस कुश्ती दा फैसला करदे हैं। सो रवि लियाओ कुश्ती च तेजी लियाउणी है, कुश्ती रोकणी नहीं फिर सोहणी नहीं लगदी, जे आपां कोई अटैक नहीं करना फिर कुश्ती करन दा कोई फायदा नहीं, इन्ना समां मिलदा कुछ करके दिखा देना बस। कुश्ती तां चलदी सोहणी लगदी है, सो फटाफट फुरकी मारो डा पेट मारो, माड़ा मोटा रिस्क लैके उपर थले होके इस कुश्ती नूं हार जित दे विच बदलीए तां जो बाकी पहलवानां नूं वी असीं पूरा मौका दे सकीए। सो इस समय दो कुश्तियां खाड़े दे विच बड़ियां शानदार चल रहीआं, नां लिख के कार्ड साडे कोल पहुंचदे करदे ने, पहलवानां ने उसे वेले लंगोटे ला के तैयारी कर लैणी है, जिहदे मल दा नां लिखिआ जांदा उह मल नूं बेनती करो उसे वेले लंगोटा ला के तैयार पर तैयार हो जाओ तां जो लगातार कुश्तियां जिहड़ियां दो दो तीन तीन खाड़े दे विच चलदीआं रहिण। सो संपूर्ण सिंह कमेटी समूह शहर निवासी मैदपुर का असीं धन्नवाद करते हैं कि दादियां दीआं रहमतां दे नाल गुरु पीरां फकीरां दे ओट आसरे दे नाल हर साल का यह जाणिआ पछाणिआ सालाना सिंह मेला जो सदियां पुराना सिंह मेला हुम हमा के मनाया जांदा, उत्थे सारे अलग्गा निवासी भी अपने घरेलू कम्मां नूं संकोच करके साडी बेनती नूं प्रवान करके इस सिंह मेले दे विच पहुंचदे आ। आल दुआले देखो बैठण दा बड़ा वधिया प्रबंध है, शिमियाने लगे आ बहुत वधिया ढंग दे साडे पंजाबी वीर है इन्हां कुश्तियां दा नज़ारा देखण लई आए हैं। सो आओ सारे पहलवानां नूं बेनती है हाँ जी, कोठी गल तो बाद पहलवान दोनों जने आरती जय तरह दिखा के नाल दी नाल अपना इनाम स्टेज के खब्बे पासे साडे कमेटी मैंबर चेयरमैन साहब बैठे हैं, सारे मैंबर उन्होंने नाल हैं और अपना बनता इनाम वो उन्होंने तो उस समय आ के कोठी गल तो बाद पर्ची दिखा के लिजा सकते हैं और दोनों पहलवान इकट्ठे आओ और पर्ची दिखा के अपना बनता इनाम नाल दी नाल प्राप्त करो जी। हाँ जी, साडी सिंह कमेटी वालों बेनती के कुश्ती करन तो बाद दोनों पहलवान इकट्ठे जाके कमेटी तो पैसे लैणगे, ये नहीं कि कुश्ती करके तुसी अपने कपड़े को बह जाओ एक पहलवान उधर पर्ची लैके खड़ा रहे, दोनों मल्लां दी पर्ची मिलाई जाएगी फिर साडे दानी वीरां वालों पैसे लेते जाणगे। बहुत वधिया जी, आओ जी अगली कुश्ती सनी श्री ते सतनाम अंगा गिरी, दोनों पहलवान खाड़े दे विच आ जाओ जी, साडे दोनों मल्लां दे कार्ड साडे कोल पहुंच गए आ, सतनाम अंगा गिरी ते सनी श्री दोनों पहलवान जल्दी लंगोटे ला के खाड़े दे विच आ जाओ जी।
ताजो पहलवानों दी कुश्तियां जिहड़ियां इसे तरह दो दो तीन तीन चलदियां रहन। बहुत ही डिसिपलिन दे नाल इस समय सिंह मेला जो लखां जांदियां तो आज्ञा लैके हुक्म लैके अरदास करके साडी सिंह कमेटी मैदपुर वल्लों इह सिंह मेला शुरू कराया गया। उत्थे अज पूरे पंजाब दे मालवे दुआबे मांझे दे चोटी दे पहलवान साडे सिंह मेले च पहुंचे है। सो असीं धन्नवाद करदे हां कि जोधा अटारी पंजाब दीआं मालवे दुआबे दीआं चोटी दीआं सिंघां दा शिंगार कर वह भी खाड़े दे विच पहुंच गया सी। साडी सिंह कमेटी वल्लों धन्नवाद करदे हां। सो आओ जिन्हां पहलवानां नूं जिन्हां खाड़ियां नूं सद्दे पत्र दित्ते गए है वह फटाफट मेरे वीर जिथे जिथे भी तुहाडे असीं इह बोर्ड लाए आ तख्तियां